ट्रिगर दबाया। ओके सो गाइस, कैसे हो यार सब लोग। और आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरह की अपनी खुद की फ़ोटो के स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस, इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान है, उससे आपको प्रेस करना। वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले गाइस आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा प्लस का आइकन क्लिक करना और कुछ साइज शो कर रहा, आपको 1.1 वाला साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा मीडिया, क्लिक करना है और गाइज आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा बैकग्राउंड, क्लिक करना और कुछ कलर शो कर रहा, आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना और टिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए, ब्लैक लेयर आ चुकी है। जो ब्लैक लेयर है इसकी लेंथ लंबी करनी है, सो मैं इसकी लेंथ लंबी कर लेता हूँ। ब्लैक लेयर पे क्लिक करा और आपने इस तरीके से जो ब्लैक लेयर है लेंथ लंबी कर लेनी। ओके तो गाइज देख लीजिए, ब्लैक लेयर की लेंथ लंबी हो चुकी है। आपने इस तरीके से ब्लैक लेयर की लेंथ लंबी कर लेनी है और अब करने क्या है, इसमें एक PNG ऐड करने। ओके सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है और फर्स्ट में एक ऑप्शन आपको मीडिया, क्लिक करना है। आपने जो PNG डाउनलोड कर रखी है आपने उस PNG को सिलेक्ट करना। ओके तो गाइज देख लीजिए, PNG आ चुके हैं। जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद जो PNG गाइज आपको सेट करना। ओके तो गाइज यहाँ पे PNG सेट हो चुकी है और टिक पे क्लिक करा और इसमें एक PNG और ऐड करनी है, क्राउन PNG ऐड करनी है। तो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने उस PNG को सिलेक्ट करना है और जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद जो क्राउन की PNG है इसे आपको हल्का सा इस तरीके से घुमा लेना, रोटेट कर लेना है और इसका साइज़ छोटा करना है और यहाँ पे सेट कर लेना। ओके तो गाइज मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद गाइज बगल में कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, एक ऑप्शन शो कर रहा है इन एनिमेशन, क्लिक करना है और कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, एक ऑप्शन शो कर रहा है ड्रॉप, ठीक है, आपको ड्रॉप सेलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए, PNG में इफेक्ट ऐड हो चुका। आपने इस तरीके से इफेक्ट ऐड कर लेना और इसमें एक इफेक्ट और लगाना है। ओके सो मैं ऐड करता हूँ, जो ब्लैक लेयर है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है साइड में, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए करना है क्या होगा, आपको नीचे खिसकाना है, एक ऑप्शन से गेट मोर क्लिक करना है। आपने यहाँ से इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। ओके सो मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, आपको इसे सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए, इफेक्ट लग चुका। आपने इस तरीके से इफेक्ट ऐड कर लेना है और इसमें एक इफेक्ट और ऐड करना है, आपको लेयर खिसकाना है। खिसकाने के बाद यहाँ पर गाइज आपको लेयर रोक लेनी है और एक स्मोक इफेक्ट ऐड करना है। सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सिलेक्ट करना है और इसका साइज फुल करना है, जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है क्लिक करना है और बगल में कुछ ऑप्शन हो रहे हैं नीचे की इसका ना, एक ऑप्शन से हो रहा है ब्लेंडिंग, क्लिक करना और आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीन और एडिट पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए, फॉग इफेक्ट आ चुका है, स्मोक इफेक्ट आ चुका है, आपने इस तरीके से इफेक्ट ऐड कर लेना है। कब करने क्या है, इसमें एक ब्लैक लेयर और ऐड करनी है। सो मैं ऐड करता हूँ, आपको लेयर खिसकाना है। खिसकाने के बाद एक ऑप्शन से होगा मीडिया, क्लिक करना है और आपको क्लिक करना बैकग्राउंड पे और आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और एडिट पे क्लिक करना है। ब्लैक लेयर की लेंथ लंबी करनी है, लंबी करने के बाद टिक पे क्लिक करा और गाइज यहाँ पे आपको लेयर खिसका लेनी है और एक फोटो ऐड करनी। ओके सो मैं फोटो ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी। ओके तो गाइज मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद जो फोटो है इसका साइज फुल कर लेना है, तो यहाँ पे फुल करता हूँ। फुल करने के बाद जो फोटो है इसकी लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद बगल में एक ऑप्शन शो कर रहा है ओवरऑल एनिमेशन, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, आपको सेलेक्ट कर लेना फ्लिकर और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए, इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। देख लीजिए कि जो बैड बॉय वाली लेयर है इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है। सो मैं लंबी करता हूँ, लंबी करने के बाद टिक पे क्लिक करा और इसमें साउंड ऐड करना और एक इफेक्ट वीडियो ऐड करनी। ओके सो मैं ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड करके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इफेक्ट वीडियो आ चुके हैं, इसका साइज़ फुल करना और टिक पे क्लिक करना है। जो ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो है क्लिक करना है
और बगल में कुछ ऑप्शंस वगैरह नीचे इसका आना, एक ऑप्शन आज को ब्लेंडिंग क्लिक करना और आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीन और एक पे क्लिक। गाइज देख लीजिए इफेक्ट ऐड हो चुका है, जो इफेक्ट वीडियो ऐड करी थी मैंने इसमें साउंड ऐड कर रखा है, तो वीडियो में साउंड ऐड हो चुका है, आपको वीडियो प्ले करनी है। ओके सो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद गाइज यहाँ पर वीडियो प्ले है और यहाँ पे गाइज साउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेयर रोक लीजिए, रोकने के बाद एक ऑप्शन से होकर कैच की निशानी क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट टिक पे क्लिक करना है और इतनी ट्रिम हो चुकी लेयर, और यहाँ पे जो क्राउन वाली पीएनजी है ताज वाली, इस लेयर को भी कट करना है। ओके सो मैं कट कर लेता हूँ, जो गाइज ताज वाली पीएनजी क्लिक करना है, एक ऑप्शन से होकर कैच की निशानी क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट टिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी है और लास्ट में लंबी लेयर है इसे कट करना है। सो मैं कट कर लेता हूँ, आपको लेयर खिसकाना है, खिसकाने के बाद जितनी है इफेक्ट वीडियो है इतनी लेयर बनानी है, ठीक है। तो मैंने लेयर खिसकाई और यहाँ पर लेयर रोक ली, जो ब्लैक लेयर है क्लिक करना है, कैच के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट टिक पे क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर आपको जितनी भी लेयर है बराबर कर लेनी है, ठीक है। सो मैं सभी लेयर को बराबर कर लेता हूँ, और गाइज इसमें एक बॉर्डर आउटलाइन ऐड करना है और एक लोगो। ओके सो मैं इसमें बॉर्डर आउटलाइन ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपने जो पीएनजी डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सिलेक्ट करना। ओके तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए पीएनजी आ चुकी है, जो पीएनजी है इसकी लेंथ लंबी करनी है, लंबी करने के बाद इसका साइज़ फुल करना है, टिक पे क्लिक करना है और इसमें एक लोगो ऐड करना है। सो मैं लोगो ऐड करता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, सो मैं एक लोगो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लोगो बना रखा है तो मैं गैलरी से ऐड कर रहा हूँ, आपने भी अपना एक लोगो बना लेना। ओके सो मैं यहाँ पर लोगो ऐड कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए लोगो आ चुका है, जो लोगो है इसकी लेंथ लंबी करनी है, लंबी करने के बाद जो लोगो है मैं इसका साइज छोटा करता हूँ और साइड में सेट कर लेता हूँ। ओके तो गाइज मैंने यहाँ पे साइड में सेट कर लिया और टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए बॉर्डर आउटलाइन लग चुका है, लोगो भी आ चुका वीडियो में और वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है और साउंड भी ऐड हो चुका है। तो गाइज इस सब वीडियो को कर लेते हैं अपने मोबाइल में सेव, सेव करने के लिए एक ऑप्शन से वगैरह शेयर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सिलेक्ट करनी, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है एक्सपोर्ट क्लिक करना, और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी।